सो दोस्तों, जैसे आपने पिछली वाली वीडियो में देखा, हम पहुंच गए थे सच पास। हाँ, थोड़ी टी शर्ट चेंज हो गई है, अब घर पे व्लॉग कर रहा हूँ पुराने वीडियोस, तो ये तो लग्जरी है कि मैं अपने कपड़े वपड़े चेंज कर सकता हूँ। आधा व्लॉग मैंने कुछ दिन पहले बनाया था, आधा मैंने कुछ नेक्स्ट डे बनाया। सो एनी वे, पॉइंट पे आते हैं। तो हम सच पास पहुंच गए थे और वहां पे अपना कुछ फोटोज वोटोज खींची। So we are on such pass. Okay. It took us 6 hours to reach here. Food was good. Food was good? Yeah. I won't say it was not good. I won't say it was that bad. It was challenging. It was really challenging. For me, it was not that bad as Chanchal pass. Chanchal pass. मतलब थोड़ा इन्जॉय किया, यू नो, इतनी मेहनत करके इतने ऊपर एक पास पे आए, और जो खुद में इंटरेस्टिंग था और इतने खतरनाक रास्ता था जैसे आपने देखा। तो थोड़ा टाइम वहाँ पे हमने स्पेंड किया, ज़्यादा नहीं किया। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, हाई पासेस पे ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करें, AMS होने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि ऑक्सीजन काफ़ी कम होती है, पानी पीते रहें। बस कुछ नहीं, वहाँ से कुछ फोटो वोटोज खींची, फिर हमने सोचा था, वैसे हमें थोड़ा आइडिया था कि आगे रोड ख़राब होगी, पर हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि रोड इतनी ख़राब होने वाली है वहाँ से आगे। सो हमने वहाँ से अपनी जर्नी नीचे स्टार्ट करी और रोड काफ़ी ख़राब 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 होती रही। सीनरी अमेजिंग थी, व्यूज़ अमेजिंग थे, पर रोड बहुत ख़राब थी, तो बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ रहा था बाइक पे। सो जब भी कुछ अपना सीनरी इंजॉय करनी है या व्यूज़ इंजॉय करना है, तो बेस्ट है कि बाइक को रोक लो। चलते हुए आप इतनी ख़राब रोड पर चल भी रहे हो और उधर उधर देख भी रहे हो, तो यू नो, फोकस आपका शिफ्ट होता है। सो ऐसा ना करें। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा व्यूज़ अच्छे लग रहे हैं, इन्जॉय करना है, पर रोड बहुत ख़राब है, तो रुक जाएं कहीं पे और इन्जॉय करें, फ़ोटोज़ खींचें। सो पर चलते हुए थोड़ा अवॉइड करें। सो एनी वे, रोड ख़राब थी, हम नीचे चलते रहे चलते रहे चलते रहे। उसके बाद एक आई थोड़ी एक आधी छोटी मोटी वाटर क्रॉसिंग थी, फिर आई एक बहुत बड़ी वाटर क्रॉसिंग। सीरियसली, जब हमने उसको देखा तो हमने पहले दिमाग में आया, जब हम धीरे धीरे उसके पास जाते, भाई ये कैसे क्रॉस हो। पर वहाँ पे ना कुछ और ही चीज़ हो रही थी, मतलब वहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सेटअप था, बहुत ही इंटरेस्टिंग। वो मैं आपको चाहता हूँ कि आप खुद देखें और फिर बात करते हैं। एवरीथिंग वॉज गोइंग स्मूथ, नॉट स्मूथ, रोड आफ्टर सच पास वॉज पैथेटिक, कम्प्लीट पैथेटिक, एंड आई वाज लाइक ओह माय गॉड। ये बट वी फाउंड समथिंग रियली, कैन यू सी इन द ग्लासेस व्हाट यू फाउंड? ओके, सो आई थिंक इट्स द फर्स्ट डीप वाटर क्रॉसिंग in our trip, and it's one of its kind, because the water is coming actually from the glacier, and we can see from the inside, you know, how the glacier looks like. Let's go. So you wanna have a tour of the glacier? Okay, let's go. It's a little scary, but let's see what happens. Let's go. Okay, here it is. You can see how thin it is. I don't know if we should go inside or not, but as you can see, Vinny, he's there inside. Oh my God! You can see the water being. That was scary, man. That's scary. You can see the water is deep inside. It's all snow. The water is coming. It's just, I think it's a secret way to heaven inside that glacier. सो जैसा आपने देखा कि मतलब पूरा एक स्नो की ना, एक मतलब ऊपर से नीचे था, एक मतलब जैसे ग्लेशियर टाइप एक वो था, और वो पूरा ऐसे कटा हुआ था, पिघल चुकी थी, पर उसके नीचे रास्ता था, तो हम अंदर तक भी गए, वहाँ से पानी आ रहा था, वॉज अमेजिंग। ऊपर देखा तो बर्फ का ऐसे यू नो छत है, और अमेजिंग, वॉज लाइक क्रेजी फीलिंग। आई कैन स्टिल रिमेंबर एवरी सिंगल सेकेंड जब मैं वहाँ पे था। और बस कुछ नहीं, उसके बाद हमने वो वाटर क्रॉसिंग क्रॉस करी। उधर मत जाइयो, इधर ही रखियो।
और धीरे धीरे पहले विनी ने करी, वो मैंने वीडियो बनाया, पर मेरा बनाने वाला कोई नहीं था वहाँ पे एनीवे। सो उसके बाद से फिर हम और नीचे अपनी जर्नी स्टार्ट करी टुवर्ड्स किलाड़, और रोड खराब ही थी एज यूजुअल, पर नीचे आते आते काफ़ी भूख भी लग रही थी क्योंकि काफ़ी टाइम से हमने कुछ नहीं खाया था, सुबह ही खाया था जो खाया था। सो फिर रास्ते में करीबन आई डोंट नो यार एग्जैक्टली, वीडियो में मैं कुछ तो बता रहा हूँ कितने किलोमीटर्स है हम सच पास से, वहाँ पे मैं एक ढाबा ढाबा नहीं मतलब टेंट थे, दो टेंट थे बेसिकली, और ऐसा लग रहा था कि वहीं पे लोकल कुछ तो वो जो मतलब भेड़ बकरी जो चराते हैं वो थे, और कुछ छोटा सा अपना एक ढाबा टाइप जैसे नहीं होता पहाड़ों में खुला हुआ था अपना, तो वहाँ बैठे थे, वहाँ पे अपना बढ़िया कढ़ी चावल खाए मैंने, कढ़ी चावल बने हुए थे, तो कढ़ी चावल खाए। ये कुछ फोटोज हैं और ये कुछ वीडियो है जो वहाँ पे कुछ तो बात कर रहे हैं हम, कुछ तो डिस्कस कर रहे हैं। वो कौन सी जगह है सामने? ससुराल भटोरी में। वैसे पानी नहीं पीना। सो गाइस या टायर्ड because the roads are so bad. We cross Sach Pass and it's just downhill, but roads are so bad. It's on first gear only, and at middle of nowhere, you know, if you can see around like where we're sitting. These are two little shacks. I had kadi chawal here. Kadi chawal here, middle of nowhere. It's 30 kilometers away. It's Killard, the next town. And roads like same bad roads. बेसिकली मेरे जो दर्द था वो हो ही जा रहा था, मैं काफ़ी इरिटेट हो रहा था उससे, और मेरे दिमाग में ही था कि कब जाएगा, कुछ ज़्यादा तो नहीं है, मतलब दिमाग में वो थॉट भी आने लगते हैं ना धीरे धीरे कि यार कुछ ज़्यादा तो नहीं है, कुछ ऐसा तो नहीं है, कहीं कुछ दिखा दूँ, पर वो एरिया ऐसा था कि वहाँ पे दूर दूर तक कोई नहीं था, किसे दिखाऊँ, मतलब हम ही बेस्ट थे, मतलब यू नो दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग। सो पेन किलर थी मेरे पास और तो कुछ नहीं था। सो बस कुछ नहीं, वहाँ पे अपना ढाबा पे अपना खाया, अपना कढ़ी चावल खाए, और वहाँ से हम निकल पड़े आगे। और उसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ हुई, मतलब आई थिंक ये जो चीज़ है ये ढाबे से पहले हुई थी, पर मैं अब बता रहा हूँ तो कोई बात नहीं, जस्ट अ इंसिडेंट आई थिंक, मेरे को अब लग रहा है कि ये ढाबे पे बैठने से पहले हुआ था, कि हम जा रहे थे और एकदम से वाटरफॉल आया जो रोड के इधर गिर रहा है और हम उसके अंदर से जा रहे हैं, यू नो, और अमेजिंग था वो फीलिंग। और वहाँ की वीडियो नहीं है पर आई क्लिक दिस पिक्चर, इसमें थोड़ा सा आपको आइडिया होगा। उसके बाद मैं आगे गया, नीचे घूम कर आया, फिर मैं देख रहा था पीछे से, पीछे मुड़ के कि विन्नी को जब उसमें आ रहा होगा तो कैसे लगेगा, एंड देन समथिंग अमेजिंग जो मैंने वहाँ पे देखी, मतलब एक ऐसा चल रहा था कि मतलब जैसे भगवान लोग ना अपना कुछ तो गेम चल रहा है उनका, दे आर इन्जॉइंग अपनी नेचर पे, कुछ ऐसा कर रहे हैं जो उन्होंने अपने लिए कर रहे हैं, हमारे लिए नहीं कर रहे हैं, पर इट्स जस्ट वी आर लकी कि हम वहाँ पे थे और हमने वो चीज़ देख ली। बेसिकली क्या था, पहले आप देख लो वहाँ पे वो क्या था, इट वॉज लाइक वाटर डांस हैपनिंग। पानी का डांस देख विन्ने, विन्ने पानी का डांस, हाँ हाँ मतलब जैसे आपने देखा कि मतलब पानी ऊपर से गिर रहा है वो झरने से, और वो नीचे नहीं जा रहा है और वापस हवा में उड़ के ऊपर जा रहा है, एंड इट्स लाइक प्लेइंग, और उसमें लाइट पड़ रही है, सन रेज डायरेक्ट, और वो शाइन कर रहा है, यू नो ऑल दैट डिफरेंट डिफरेंट, ऐसा लग रहा है शेप्स और आकार अलग अलग टाइप के बन रहे हैं, और इट्स लाइक ब्यूटिफुल यार, मतलब इट्स लाइक गॉड्स प्ले ग्राउंड, यू नो इट्स लाइक ब्यूटिफुल, मतलब वी वर लकी के वहाँ पे और मैं वो देख पाया। उसके बाद ऐसी चीज़ मैंने कभी नहीं देखी, मतलब ये होते हुए पूरा, मतलब ऐसे तो देखें झरने रोड के इधर गिर रहे हैं पानी हल्का सा, पर यू नो दैट ग्रैंड लेवल पे जो हो रहा था वो मैंने कभी नहीं देखा, ब्यूटीफुल, मतलब पूरा याद है मेरे को, आई रिमेम्बर। सो एनी वे हमने वो चीज़ इंजॉय करी और हम नीचे चल पड़े किलाड़ की तरफ, और रोड खराब ही थी।
किलर कितने किलोमीटर? किलर चार किलर। हाँ धन्यवाद, थैंक यू। हाँ of painful ride, we can see the road, man, we can see the road, something positive. करीबन 5 बजे हम करीब किलाड़ पहुंचने वाले थे, उससे पहले सन छुपने वाला था, तो उसकी वो शाम की रेज जो आ रही होती है, उस ब्यूटीफुल कुछ फोटोज हैं जो आप ये देख सकते हो। सो जैसे आपने देखा वाज लाइक ब्यूटीफुल, और वो एंड ऑफ द डे होने वाला था, हम किलाड़ पहुंच गए। वहाँ पे अच्छा ठीक सा था, वहाँ पे काफ़ी चीज़ें थी नॉर्मल, और फिर हमें अपना टेंट वेंट लगाना था, हमने कहा कि अभी थोड़ा टाइम है आगे की तरफ चलते हैं। तो वहाँ से आगे निकल पड़े उदयपुर की तरफ, और हमने कहा कहीं रुक जाएंगे थोड़ी दूर में, पर फिर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर और रोड छोटी होती गई, नैरो होती रही और अंधेरा होता चला गया, और लाइक खतरनाक होता गया, मतलब देखो कुछ वीडियोज़ हैं वहाँ पे।